गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स फिफ्थ क्लास में आपने पढ़ा था राउंड नंबर नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 1000 ऐसे फोर्थ में भी पढ़े थे वो फिर आप आपके क्लास में आ गए वन ई चैप्टर में। तो राउंड मींस क्या है उसका सर्किल बनाना है किसके नियरेस्ट 10 नियरेस्ट टेंस वाले में पहले पढ़ लिया तो नियरेस्ट टेंस के नंबर को देखते हैं तो टेंस प्लेस तो वंस टेंस प्लेस ये हो गया। अब उसके जस्ट आफ्टर नंबर देखते हैं तो क्या देखते हैं सेवन तो सेवन ये है तो ये देखते हैं राउंड फिगर में फाइव से ज्यादा होना चाहिए तो फाइव है या फाइव से ज्यादा हो तो वन नंबर पुश कर दो 60 आ गया तो 60 कैसे जरा चेक करेंगे इसी चीज को 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ये आपका नंबर है 57। अब जरा देखो ये नंबर 50 है और ये 60 है ये आपके ग्रुप में जाना है तो यहां से यहां तक इसके बीच के नंबर जो 10 है तो 10 नंबरों में 57 किसके नियरेस्ट रहेगा तो आप तुरंत कह देंगे नियरेस्ट इसके रहेगा। लेकिन चेक कैसे करें तो चेक हमने अभी बताया है कि जैसे ये हमारा मिडिल नंबर रहा तो ये 5 जो है 5 देख रहे हो 5 के पीछे है तो ये वन नंबर इसको प्लस करेगा तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है क्यों इसमें एक कैरी ले लिया अपना जीरो बन गया। सिक्स्थ फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ा भी था देखो चीज पढ़ा दे फिर से दोबारा नियरेस्ट टेंस प्लेस में क्या करते हैं 4 को माइनस करते हैं इस नंबर और जी इसमें 5 को प्लस करते हैं। शायद याद आ गया होगा कि किस तरह से पढ़ते हैं राउंडेड नंबर जब लिया था हमने जैसे 60 का राउंडेड नंबर ले तो हम कैसे करेंगे इसमें 4 को माइनस कर देंगे और इसको 5 प्लस कर देंगे तो ये आगे के नंबर हमने ज्ञात करेंगे तो ये 60 के नियरेस्ट रहेंगे। अब याद अब देखते हैं इसमें भी देखो ये हमारा नियरेस्ट टेंस प्लेस है पीछे 5 है नंबर आगे बढ़ गया तो 940 आगे देखा देख रहे हो 3 है पीछे 9 है 5 से ज्यादा है वो नंबर प्लस कर देगा इस नंबर से कोई मतलब नहीं 45 अब यहाँ पर रह जाएगा 40। ऐसे ही अल्टरनेट प्लेस पर आ जाओ वंस टेंस 100 100 पर लगा दिया 100 के पीछे कितना नंबर है टेंस प्लेस क्या है 2 तो ये 5 से कम है इस पर कोई असर नहीं पड़ा।